देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने एक बड़ा इतिहास रचा है। मौका था ईस्ट जोन चैंपियनशिप का, जहां अल्मोड़ा की जूनियर व सीनियर दोनों टीमों ने प्रतिद्वंदी टीमों को पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की। यहां बता दें कि कुल 6 राज्यों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। शुक्रवार को हुए रोमांचकारी मुकाबलों को देखने के लिए स्टेडियम में सैकड़ों खेल प्रेमियों की भीड़ जमा रही। 4 दिनों तक बैडमिंटन के रोमांचकारी मुकाबले हुए। उत्तराखंड की टीम ने जूनियर एवं सीनियर दोनों वर्ग में उत्तर प्रदेश को 3-2 से पराजित किया। उत्तराखंड के ध्रुव रावत ने उत्तर प्रदेश के अंशु विशाल गुप्ता को, आदित्य भट्ट ने उत्तर प्रदेश की मानसी सिंह को, मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत तथा आदित्य भट्ट की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के बाल केशरी यादव व श्रुति मिश्रा की जोड़ी को पराजित किया। बिहार तथा पश्चिम बंगाल की टीम को कांस्य पदक मिला। वहीं सीनियर वर्ग में उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को 3-1 से पराजित कर टीम चैंपियनशिप जीती, जिसमें ध्रुव रावत ने अभ्यास सिंह को, उन्नति बिष्ट ने तनिषा सिंह को तथा आदित्य भट्ट व कुहु गर्ग की जोड़ी ने श्रुति मिश्रा व समृद्धि सिंह की जोड़ी को पराजित किया। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार, वशिष्ठ अतिथि DIG कुमाऊं क्षेत्र जगत राम जोशी थे। अतिथियों द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। इस अवसर पर DM नितिन सिंह भदौरिया, SSP प्रहलाद नारायण मीणा, DSP कमल राम, BS मनकोटी, पुष्कर जैन, राम अवतार, VIK चीफ अबर के, प्रभाकर सूर्यवीर शर्मा, परिचार नादू, प्रणव विष्णोई, DK सेन, विष्णु सक्सेना, रितेश बिष्ट, कमल गुप्ता, प्रशांत जोशी, सुरेश कर्नाटक, जगमोहन सत्या, मोहन रावत, संजय नज्जोल, अनिल नैनवाल, पुनीता मांगरियाल, CL वर्मा, जितेंद्र अधिकारी, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर नंदन विष्णु, मानस साहब, विनीता प्रभा सहित तमाम खेल के प्रेमी मौजूद रहे। हम क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस की ओर से विजेता टीमों के अलावा प्रतियोगिता में शिरकत करने वाली टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पहला मौका है जब टीम चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने ईस्ट जोन चैंपियनशिप जीती है, दोनों वर्गों में जूनियर और सीनियर। तो ये हमने खिलाड़ियों को बधाई दी है और दोनों टीमों को एक एक लाख रुपये का अवार्ड स्टेट एसोसिएशन की ओर से दिया गया है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि नेशनल चैंपियनशिप जो है, जो टीम चैंपियनशिप होती है, इस बार उसमें जीतने का प्रयास करेंगे, दोनों कैटेगरी में जूनियर भी सीनियर। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। एक नहीं, एक साथ 2 जूनियर चैंपियनशिप के बाद फिर सीनियर चैंपियनशिप जीत के केवल अल्मोड़ा ही नहीं पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। आज देवभूमि अल्मोड़ा में ये टूर्नामेंट हुआ और हमें ये सौगात यहाँ पर मिल गई है, 2 चैंपियनशिप एक साथ इतिहास में पहली बार। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम इसकी पूरी तैयारी में थे, पहले से हमने एक टारगेट रखा हुआ था कि हम ये दोनों चैंपियनशिप उठाएंगे, इसीलिए हमने एक यहाँ पर बृहद कैंप रखा था उससे पहले तैयारी के लिए, और इन बच्चों ने रात दिन पसीना बहाया उस कैंप में और उस कैंप का ही नतीजा है आज 2 चैंपियनशिप हमारे पास है। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही लेटेस्ट ऑनलाइन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट में जाए क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस। नानागढ़ से मोहम्मद रफी की रिपोर्ट।